फेसबुक विंडो से परिचय। फेसबुक प्रोफाइल होम विंडो कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें आपको कई सेक्शन या हिस्से मिलेंगे। इस विंडो में सर्च के ठीक पास आप प्रोफाइल, होम और फ्रेंड्स जैसे टैब्स देख सकते हैं। इन टैब्स के पास कुछ बटन्स हैं, जैसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, मैसेजेस, नोटिफिकेशन और क्विक हेल्प। प्रोफाइल टैब, प्रोफाइल में कवर फोटो को चुनना। अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्रोफाइल टैब बटन्स का उपयोग क्या है। तो सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट के लिए एक कवर फोटो चुनना होगा। इसके लिए अपडेट कवर फोटोज पर क्लिक करें। इस विकल्प को चुनने के बाद क्या आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ और विकल्प दिखाई दे रहे हैं? सिलेक्ट फोटो, अपलोड फोटोज, रीपोजिशन और रिमूव। अब इन विकल्पों का उपयोग करना सीखते हैं। सिलेक्ट फोटो विकल्प को चुनकर हम वे सभी तस्वीरें देख सकते हैं जो हमने अपनी फेसबुक गैलरी में अपलोड की हैं। इनमें से मनचाही फोटो चुनकर सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करें। ये फोटो अब आपका फेसबुक कवर फोटो बन चुका है। दूसरा विकल्प है अपलोड फोटोज। इस विकल्प पर क्लिक करके आप अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल से कोई भी फोटो कवर फोटो के लिए चुन सकते हैं। ये फोटो आपके कवर फोटो के रूप में सेट हो जाएगा। अब सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करें। रीपोजिशन विकल्प कवर फोटो के लिए चुने गए फोटो को सही स्थान पर रखने में मदद करेगा। रिमूव विकल्प की मदद से हम अनचाहे कवर फोटो को हटा सकते हैं। बस रिमूव पर क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स में कंफर्म को चुनें। प्रोफाइल फोटो चुनना। अपनी प्रोफाइल पर फोटोग्राफ अटैच करने के लिए कवर फोटो की बाईं ओर मौजूद अपडेट प्रोफाइल पिक्चर बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर अपडेट प्रोफाइल नाम का डायलॉग बॉक्स उभरेगा। इस बॉक्स में अपलोड फोटो और ऐड फ्रेम नाम के दो बटन्स दिखाई देंगे। अपलोड फोटो विकल्प आपको फेसबुक प्रोफाइल के लिए अपने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में से कोई भी फोटो चुनने में मदद करता है। ऐसा करने के लिए सही ड्राइव को चुनें, उचित फोल्डर से मनचाहा फोटो चुनें और ओपन बटन पर क्लिक करें। क्रिएट प्रोफाइल पिक्चर डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। चुने हुए फोटो में बदलाव के लिए एडिट विकल्प चुनें। अब अपने फोटो में कोई बदलाव करने के लिए आप एडिट फोटो डायलॉग बॉक्स में से फिल्टर विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। इस फिल्टर विकल्प की सहायता से आप अपने फोटो का कलर कॉम्बिनेशन या रंग संयोजन बदल सकते हैं। टेक्स्ट और स्टिकर की सहायता से आप अपने फोटो में कुछ शब्द या स्टिकर भी जोड़ सकते हैं। सारे बदलावों से संतुष्ट होने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें और अब आप एडिट की हुई प्रोफाइल फोटो देख पाएंगे। ये जो दूसरा बटन आप देख रहे हैं वो है ऐड फ्रेम बटन। इस विकल्प को चुनने पर ऐड फ्रेम टू योर प्रोफाइल पिक्चर नाम की विंडो दिखाई देगी। आप अपनी चुनी हुई तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपको कुछ तैयार फ्रेम विकल्प भी मिलेंगे। आप अपनी तस्वीर के लिए किसी भी लेआउट को चुन सकते हैं। यदि इस मौके पर आप अपनी फोटो बदलना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर बटन का प्रयोग करें। सजेस्टेड सेक्शन में आपके द्वारा अपलोड किए गए सभी फोटो होंगे। आप इस सेक्शन में से कोई भी फोटो चुन सकते हैं। आखिर में यूज एज प्रोफाइल पिक्चर बटन पर क्लिक करें। प्रोफाइल पिक्चर सेव की विंडो दिखाई देगी। अब ओके बटन पर क्लिक करें और इस तरह आपकी प्रोफाइल फोटो सेट हो जाएगी।